friends, today we will discuss our next topic of pharmacognosy, that is pharmaceutical aid. Pharmaceutical aids के बारे में हम discuss करेंगे. तो pharmaceutical aids क्या होती हैं? What are pharmaceutical aids? So pharmaceutical aids are the substances which are used जो कि pharmaceutical preparation को complete बनाती हैं, लेकिन उनका कोई therapeutic effect नहीं होता. Therapeutic कोई macrofection नहीं है, बस वो उसको कंपाउंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्रिपरेशन, जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, उसको कंप्लीट करता है. थेरापेटिक कोई इफेक्ट नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती हैं, वो क्या करती है, फीवर को रिड्यूस करती हैं, ठीक है. एक्सपेक्टोरेंट होती है, जो क्या करती है, हमें कफ से रिलीफ करती है. तो इस तरह का कोई थेरापेटिक एक्शन नहीं होता, या फिर बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम इफेक्ट शो करता है. लेकिन बहुत ही असेंशियल होते हैं ये फार्मास्यूटिकल एड एक प्रिपरेशन को कंप्लीट बनाने के लिए. सो दीज आर द सब्सटेंसेस विच हैव लो और लिटल थेरापेटिक वैल्यू और असेंशियल used in the manufacturing and preparation of the pharmaceutical preparations that are called as pharmaceutical aids. उनको pharmaceutical aids कहा जाता है. अब जो pharmaceutical aids होते हैं, इसके different sources होते हैं. इसको we can obtain the pharmaceutical aids from the animal source, plants and minerals, अलग अलग जो sources होते हैं वहाँ से हम इसको obtain कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड, किस तरह की जो फार्मास्यूटिकल एड में हमें किस तरह का एजेंट चाहिए, तो इसके जो सोर्स होते हैं वो अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज होते हैं. क्योंकि हम फार्माकोग्नोसी में नेचुरल सोर्सेज के बारे में ही पढ़ते हैं. अगर हमें कलर इम्पार्ट करना है तो कलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टर्मरिक, सेफ्रॉन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, ये कुछ सब्सटेंसेस हैं. अब आपको पता है कि कलर का कोई थेरापेटिक इफेक्ट नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली उससे क्या होता है, वो अपीयरेंस, उसकी एलिगेंस अच्छी हो जाती है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की. तो ये फार्मास्यूटिकल एड है. और इसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, जिसकी कोई थेरापेटिक रिस्पॉन्स नहीं होता, लेकिन जो डोजेस फॉर्म है उसको ईजिली डिसइंटीग्रेट यानी उसको टुकड़ों में तोड़ देना, वो काम करती है. तो इसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में, दैट आर स्टार्च, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज होता है. तो इस तरह से कुछ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के बहुत से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बुक में. माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, हस्क हो गया. तो दीज आर द डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स. कुछ फ्लेवर्स यूज होते हैं, फ्लेवर्स भी फार्मास्यूटिकल एड्स की कैटेगरी में आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, कार्डमम हो गया, सिनेमन हो गया, और रोज़ हो गया, लेमन ऑयल हो गया, ऑरेंज पील, जो कि आपको फ्लेवर्स करवाए हैं लास्ट लेक्चर में. तो ये भी फ्लेवरिंग एजेंट है, फ्लेवर इम्पार्ट करते हैं, कोई थेरापेटिक रिस्पॉन्स नहीं शो करते. उसके बाद आ जाते हैं लुब्रिकेंट्स. लुब्रिकेंट क्या होता है, जब भी जैसे टेबलेट्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो एक तरह से उसमें लुब्रिकेशन का काम करता है, ताकि वो स्टिक ना करे, उनके ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं. तो अलग अलग डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं, उसमें लुब्रिकेशन का काम करता है. दैट कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे टाल्क हो गया, कोका बटर हो गया, मैग्नीशियम स्टीरेट हो गया. डिफरेंट प्रिपरेशन में डिफरेंट लुब्रिकेंट्स यूज़ किए जाते हैं. उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सॉल्वेंट्स. सॉल्वेंट्स क्या है, सॉल्वलाइज करता है, सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं. अल्कोहल, ग्लिसरीन कॉमन एग्जाम्पल हैं सॉल्वेंट्स के. इमल्सिफाइंग एजेंट्स में हनी यूज़ किया जाता है, सॉर्बिटोल यूज़ किया जाता है, ये स्वीटनिंग एजेंट्स हैं, सॉरी, हनी और सॉर्बिटोल स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं. इमल्सिफाइंग एजेंट में अकेशिया हो गया, अगार हो गया, ग्वार गम हो गया, दीज आर यूज्ड इमल्सिफाइंग एजेंट, जो कि एक इमल्शन बनाने के लिए यूजफुल होते हैं. इसी तरह से डाइल्यूशन के लिए कुछ डाइल्यूएंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कॉर्न ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, ग्लूकोज एंड लैक्टोज, दीज आर यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट्स. तो ये जितने भी हैं, कलरिंग एजेंट हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, फ्लेवर्स, लुब्रिकेंट्स, सॉल्वेंट्स, डाइल्यूएंट्स, स्वीटनिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट्स, इनका क्या काम है, सिर्फ ये एक प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट, जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट बनाते हैं अपने आप में. तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये यूज़फुल है, बट इनका जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो या तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल थेरापेटिक इफेक्ट शो नहीं करते, या फिर बहुत ही कम थेरापेटिक इफेक्ट शो करते हैं. सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स. अब हम जो फार्मास्यूटिकल एड्स में हम
हमारे जो सिलेबस में है उसमें हम पढ़ेंगे, हनी हो गया, गम अकेशिया हो गया, ये हम हमारे सिलेबस में मेंशन है, और कुछ स्टार्च हो गया, ट्रैगाकैंथ हो गया, दीज ये कुछ फार्मास्यूटिकल एड्स हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हनी से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कॉमन है, सबके घरों में होता है हनी, सब यूज करते हैं इसको। हनी जिसका जो सिनोनिम है सबको पता ही है इसको, हनी को प्यूरिफाइड हनी भी कहा जाता है, मधु भी कहा जाता है, शहद भी कहा जाता है, ये कॉमन नेम कह सकते हैं, सिनोनिम्स कह सकते हैं इसके, सिनोनिम है। बायोलॉजिकली इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, शहद कहाँ से मिलता है हमें, हनी होती है, हनी जो कौन प्रोड्यूस करती है, बीज प्रोड्यूस करती हैं, उनके हनी कॉम में उनका एक जो छत्ता होता है जिसको हनी कॉम कहा जाता है, उससे हमें ऑब्टेन होता है। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा इसका, हनी इज अ शुगर सिक्रीशन, ये एक शुगर सिक्रीशन होता है विच इज डिपॉजिटेड इन हनी कॉम, हनी कॉम में डिपॉजिट होता है, कौन डिपॉजिट करता है, बाय बीज, बीज जो मक्खी शहद की मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो इकट्ठा करती हैं, उनका बॉटैनिकल नेम होता है एपिस मेलिफेरा, बॉटैनिकल नेम क्या होता है इसका, एपिस मेलिफेरा। उसके बाद एंड जो बीज हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं, बिलोंग्स टू द फैमिली एपिडी, एपिस मेलिफेरा से एपिस से ही बन गया, एपिडी फैमिली से बिलोंग करती है। तो इसको इसका अगर आप मॉर्फोलॉजी देखें तो मॉर्फोलॉजी आप बता सकते हैं दिखने में किस तरह का शुगरी सॉल्यूशन सिक्रीशन होता है, ठीक है, किस तरह का टेस्ट होता है इसका, स्वीट टेस्ट होता है, और स्पेसिफिक इसकी ऑर्डर होती है, और कलर इसका ऑरेंजिश ब्राउन, ब्राउन ऑरेंजिश कलर होता है इसका। तो मॉर्फोलॉजी आप इसकी बता सकते हो क्योंकि सबने हनी यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हनी की अब प्रिपरेशन की बात करें कि इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो हनी होता किस में है, हनी कॉम में, कौन डिपॉजिट करता है, बीज डिपॉजिट करती हैं, तो जो हनी कॉम है पहले उसको रिमूव किया जाता है, और उसकी जो सिक्रीशन है उसमें से हनी कॉम में जितना भी डिपॉजिट हनी है उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, उसको स्क्वीज किया जाता है, स्क्वीज़ किया जाता है, वो नेचुरली ड्रेन करने लग जाता है, प्रेशर के थ्रू उसको निकाला जाता है और वो नेचुरली ड्रेन होता है थ्रू द हनी कॉम। अब उसको क्या किया जाता है, उसको हीटअप कर दिया जाता है, हीटअप करने के बाद क्या होता है, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या करने लग जाती है, फ्लॉट करने लग जाती है ऑन द हनी, क्योंकि हनी कॉम से सीधा हमने प्रेशर से उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, हनी कॉम से निकाल लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, उसको हीटअप कर दिया फॉर द रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज़, जो इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव करने के लिए हमने ये किया। अब जो इम्प्योरिटीज़ है वो फ्लॉट करने लग जाएगी, तो उसको हम जब वो फ्लॉट कर रही हैं तो उसको हम अलग से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो फॉरन सब्सटेंस है उससे निकाल लेंगे। तो ये इसका एक तरह से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, किस तरह से एक तरह से रिफाइन किया जाता है, उसको रिफाइनिंग की जाती है। उसके बाद इसके कुछ टेस्ट भी हैं, फिजिकल और केमिकल टेस्ट, जैसे शुगर का टेस्ट किया जाता है कि हनी है उसमें वाटर की एडिशन करेंगे, फैलिंग सॉल्यूशन ऐड करेंगे, उसको हीट करने पे वो क्या करेगा, रेड कलर के प्रेसिपिटेट देगा कॉपर ऑक्साइड के, तो ये रिड्यूसिंग शुगर का एक टेस्ट हो गया। इसी तरह से और भी इसके टेस्ट होते हैं, जैसे हनी है उसमें अगर हम अल्कोहल की एडिशन करेंगे तो टर्बिडिटी, टर्बिड हो जाएगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन टर्बिड क्यों होगा, क्योंकि उसमें डेक्सट्रिन प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेक्सट्रिन प्रेजेंट होता है, इसलिए उसकी टर्बिडिटी से पता लग जाएगा कि इसमें डेक्सट्रिन प्रेजेंट है, तो ये जो हनी है वो प्योर है। तो उसके बाद और भी कुछ टेस्ट होते हैं, तो इसमें आप पढ़ सकते हो काबड़ा की बुक है, उसमें से जो अलग अलग टेस्ट दे रखे हैं, फिजिकल और केमिकल टेस्ट, ये मैंने जनरल बता दिया आपको। उसके बाद इसमें केमिकली कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है, विच एक्ट एज अ फार्मास्यूटिकल, जिसके कारण ये फार्मास्यूटिकल एड की तरह एक्ट करता है। तो हनी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनवर्ट शुगर होती है, इनवर्ट शुगर क्या होता है, यानी डेक्सट्रोज और जो फ्रक्टोज होता है उसका मिक्सचर होता है, इक्वल अमाउंट में डेक्सट्रोज एंड फ्रक्टोज का मिक्सचर होता है, dextrose and fructose,
दैट इज नोन एज इनवर्ट शुगर, उसको क्या कहा जाता है, इनवर्ट शुगर कहा जाता है। और इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। केमिकली इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज कम्पोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स इनवर्ट शुगर विच इज अ मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज एंड फ्रक्टोज, विटामिन होते हैं, एंजाइम्स एंड मिनरल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसमें ये तो हो गया इसका भी कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि यूजेस क्या होते हैं। ये फार्मास्यूटिकल एड है, सबसे पहले किस कैटेगरी में आता है, फार्मास्यूटिकल एड की कैटेगरी में आता है। और एक न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है इसकी, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। बहुत बार कहा जाता है जैसे मिल्क है उसमें शुगर की जगह हम अगर हनी यूज करते हैं तो दैट इज मोर बेनिफिशियल देन शुगर, बिकॉज शुगर में बोन चारकोल होता है। लेकिन इसमें ये नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है, कुछ भी इस तरह से नहीं होता कि इसको सिंथेटिकली कुछ इसकी प्रोडक्शन की जाती है, शुगर की सिंथेटिकली प्रोडक्शन की जाती है विद द यूज ऑफ नेचुरल सोर्स, नेचुरल सब्सटेंस यूज करके। तो हनी बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, विटामिन प्रेजेंट हैं, मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो इट ऑल्सो एक्ट एज अ गुड न्यूट्रिएंट, एक न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है बहुत अच्छी। उसके बाद इसमें क्या होता है, ये लग्जेटिव की तरह एक्ट करता है, लग्जेटिव भी आपको पता है। उसके बाद डीमल्सेंट, इट इज ऑल्सो एक्ट एज डीमल्सेंट, जिसका क्या होता है, सूथनिंग इफेक्ट, मोस्टली जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी उसके ऊपर सूथनिंग इफेक्ट शो करता है। तो द सब्सटेंस विच यूज एज यूज फॉर द सूथनिंग इफेक्ट स्पेशली ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर सूथनिंग इफेक्ट शो करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हनी, ये हमने हनी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है दैट इज अकेशिया, विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फार्मास्यूटिकल एड। नेक्स्ट हमारी ड्रग आ जाती है अकेशिया। तो अकेशिया में सबसे पहले हम देख लेते हैं सिनोनिम क्या है इसके। अकेशिया का जो सिनोनिम है दैट इज गम अकेशिया एंड गम अरेबिका। गम अकेशिया एंड गम अरेबिक, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ अकेशिया विच इज यूज्ड एज अ फार्मास्यूटिकल एड की तरह, जिसको यूज किया जाता है। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स नेम से क्लियर है गम, तो इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियन गम, इसको इंडियन गम भी कहा जाता है। इंडियन गम इज द ड्राइड गमी एक्सुडेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेस। ये एक गम है जो कहाँ से हमें मिलती है, स्टेम से और ब्रांचेस से, किसकी, अकेशिया अरेबिका की, अकेशिया अरेबिका की। इंडियन गम, इंडियन गम है विच इज ऑब्टेन्ड, इंडियन गम जो कहां से मिलती है, विच इज अ ड्राइड गमी एक्सुडेशन से मिलती है और ब्रांचेस से मिलती है।
द फैमिली लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करती है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। हमें पता है कि ये अकेशिया रेटिका से मिलता है, उसके जो स्टेम्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, उस पर इंसीजन लगाया जाता है जिससे वो गमी सब्सटेंस है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है एक्सट्रैक्शन के बाद। और इट बिलोंग्स टू द फैमिली लेग्यूमिनोसी। जो अकेशिया रेटिका है वो लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। डिस्क्रिप्शन की बात करें कि ये किस तरह का गम होता है, तो कलर इसका क्रीम से ब्राउनिश रेड कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है गम की कोई इसकी जो गम होती है उसकी कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, कोई ऑर्डर नहीं होती। और जो टेस्ट होता है वो गम का टेस्ट कैसा होता है, म्यूसिलेजिनियस। जैसे म्यूसिलेजिनियस क्या होता है, कोई भी पाउडर हम खाते पाउडर अगर हम खाते हैं तो वो बक्कल कैविटी में जाकर गमी लाइक हो जाता है, तो वो म्यूसिलेजिनियस टेस्ट होता है, ब्लैंडी और म्यूसिलेजिनियस टेस्ट होता है। अगर हम इसका शेप की बात करें तो शेप इसकी कैसी, इरेगुलर टाइप की शेप होती है, क्योंकि गम की शेप क्या होती है, सूखकर इरेगुलर, कोई उसकी पर्टिकुलर शेप नहीं होती। सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद वो जिस तरह के कंटेनर में है उसी टाइप की शेप वो बन जाती है, उसकी इरेगुलर शेप है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर रिस्पॉन्सिबल टू एक्ट एज अ फार्मास्यूटिकल एड की तरह ये एक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में मोस्टली इट कंटेन्स कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम साल्ट। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम साल्ट होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ अरेबिक एसिड। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम साल्ट्स ऑफ अरेबिक एसिड होता है, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो अरेबिक एसिड होता है ना, इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ऑन द हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स। अब इसकी हाइड्रोलिसिस पे ये क्या देता है, एल रेमनोस, ग्लैक्टोज एंड डी ग्लूक्रोनिक एसिड।
एडिशन करें भी प्रेजेंट होता है, तो हम इससे कह सकते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में हम इसमें एंजाइम भी लिख सकते हैं ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस के कारण। ये इस टेस्ट में जब हम सॉल्यूशन है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेंजीडीन का अल्कोहल में, तो उसको ये सॉल्यूशन को हमने ऐड किया इन द एक्वो सॉल्यूशन ऑफ गम, तो वो किस तरह का कलर देगा, ब्लू कलर देगा। और वो ब्लू कलर किसके कारण देगा, दैट ब्लू कलर इम्पार्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑक्सीडेज विच इज प्रेजेंट इन द गम अकेशिया, जो उसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसका टेस्ट है एक, इसमें जो इसका सॉल्यूशन है उसमें एक केमिकल ऐड करें रूथेनियम रेड, तो वो पिंक कलर प्रोड्यूस करता है विद रूथेनियम रेड के साथ पिंक कलर इम्पार्ट करता है। तो ये कुछ इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। उसके बाद अगर इसकी प्योरिटी चेक करनी हो तो हम इसको वाटर के साथ एडिशन कर देते हैं या फिर कुछ ड्रॉप्स हैं पेरीक्लोराइड के उसके साथ ऐड कर देते हैं, तो ये ब्लू या ब्लैक कलर इम्पार्ट करता है। कुछ इसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए भी टेस्ट है, वो आप देख सकते हैं डिटेल में। उसके बाद इसकी यूजेस लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूजेस, किस पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज डीमल्सेंट, डीमल्सेंट आपको बताया था स्मूथनिंग सूदनिंग इफेक्ट शो करता है, सूदनिंग इफेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन पे। इट इज आल्सो एक्ट एज अ सस्पेंडिंग एजेंट, जो सस्पेंशन होती है जिसमें पार्टिकल्स को सॉल्वेंट पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सस्पेंड करने के लिए हेल्पफुल होता है, तो सस्पेंडिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। कुछ टेबलेट्स बनाने के लिए ये जो ग्रैन्यूल्स वगैरह बनाते हैं टेबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये बाइंडिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, बाइंडर की तरह काम करता है। देखो गम का काम क्या होता है, बाइंड करना, तो ये बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। इट इज ऑल्सो एक्ट एज बाइंडिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट है, बहुत अच्छा। टेबलेट कंप्रेस्ड टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज एज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लोजेंजेस, लोजेंजेस क्या होती है, जो आप विक्स की गोलियां खाते हो, मेल्ट कर जाती है इसको, वो जो विक्स की छोटी छोटी जो होती है पैलेट्स टाइप की टेबलेट्स होती हैं, लोजेंसेस होती हैं, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको यूज किया जाता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ द गम अकेशिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द अकेशिया। अकेशिया में हमने पढ़ा अकेशिया होता है क्या है, गम होता है, इसको गम अकेशिया गम अरेबिक कहा जाता है, जो कि ड्राइड गम ही एक्सुडेशन होता है। किससे मिलता है, स्टेम से और ब्रांचेस से मिलता है। किसकी स्टेम और ब्रांचेस से मिलता है, अकेशिया अरेबिका विच बिलोंग्स टू द फैमिली लेग्युमिनोसी से बिलोंग करता है। केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट्स, ऑन द हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स द एल लैमनोज डी ग्लुकोनिक एसिड डी लैक्टोज, और इसमें एंजाइम ऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड बेंजीडीन का सॉल्यूशन है अल्कोहल में, उसमें गम सॉल्यूशन एक्वो सॉल्यूशन है गम का, उसको ऐड करते हैं तो वो ब्लू कलर इम्पार्ट करता है, क्योंकि उसमें एंजाइम ऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है।
उसके बाद इसमें यूजेस क्या है, अच्छा बाइंडर है, गुड बाइंडिंग एजेंट है, सस्पेंडिंग एजेंट है, बहुत अच्छा डीमल्सेंट है और लोजेंसेस में यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आज हमने हनी और अकेशिया किया है। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो फार्मास्यूटिकल एड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।